सेल्फी चाहने वालों के लिए एसुस ने उतारा अपना नया स्मार्टफोन Zenfone 4 सेल्फी प्रो। कितना खरा उतरता है Vivo V7 प्लस अपने दावों पर। गैजेट लैब में बाजार में आए नए गैजेट्स पर एक नजर। अगर आपने सितंबर 12 का आईफोन का लॉन्च इवेंट देखा होगा तो आपको ऑलमोस्ट 8 और 8 प्लस इन दोनों फोन्स के लिए काफी बुरा लगा होगा क्योंकि सारा अटेंशन जो है वो आईफोन 10 ने ले लिया। लेकिन आईफोन 10 का लॉन्च तो नवंबर में है, इससे पहले हमारे देश में 8 और 8 प्लस ये दोनों फोन्स लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन लॉन्च से पहले ही ये दोनों फोन्स हमारे पास पहुंच गए हैं। तो आज हम इन दोनों फोन्स को अनबॉक्स करेंगे, 8 और 8 प्लस। अभी फर्स्ट लुक में अगर आप देखेंगे या फिर मुझसे पूछेंगे तो बिल्कुल 7 और 7 प्लस की तरह दिखते हैं, लेकिन खास बात है अगर आप 7 देखें तो 7 में मेटल बॉडी दी गई है, लेकिन इन दोनों में ग्लास बॉडी है, ग्लास बैक है। साथ ही अगर आप इसका डिस्प्ले देखेंगे तो डिस्प्ले रेटिना HD डिस्प्ले दिया गया है, लेकिन दोनों फोन्स में एप्पल की ट्रू टोन एम्बियंट लाइट सेंसर टेक्नोलॉजी है। अभी ये क्या करता है कि अगर किसी भी लाइट कंडीशंस में आपके आसपास के लाइट को एडजस्ट करता है आपके डिस्प्ले के लिए, जिससे आपकी आंखों को ज़्यादा तकलीफ ना हो। अभी इसमें A11 जो एप्पल की बायोनिक चिप है दोनों फोन्स में मौजूद है, और एप्पल का ये दावा है कि दिस इज़ द फास्टेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट चिप अवेलेबल इन द वर्ल्ड। दोनों फोन्स इनफैक्ट वाटर और डस्ट प्रूफ है, और 3 कलर्स में अवेलेबल है ये फोन, स्पेस ग्रे, गोल्ड फिनिश और सिल्वर। सो ये सिल्वर फिनिश है और ये गोल्ड फिनिश वाला आईफोन 8 प्लस है। दोनों फोन्स में ब्लूटूथ 5.0 भी दिया गया है, और अगर आप देखेंगे तो 8 में बिल्कुल 7 की तरह सिंगल कैमरा सेंसर है f1.8 अपर्चर के साथ, और इसमें ड्यूल कैमरा है पीछे 8 प्लस में f2.8 अपर्चर के साथ। अब वक्त है जानने का कि कैसा है Asus का Zenfone 4 सेल्फी प्रो। सिर्फ मैं ही नहीं, दुनिया के कई सारे लोग सेल्फी एडिक्ट हो चुके हैं, और ये बात स्मार्टफोन मेकर्स ने भी अच्छी तरह समझ ली है, इसलिए एक के बाद एक सेल्फी सेंटर्ड फोन्स लॉन्च हो रहे हैं। ओप्पो और वीवो के बाद अब Asus ने भी इस सीरीज में कदम रख लिया है और लॉन्च कर दी है Zenfone 4 सेल्फी सीरीज। इस सीरीज का टॉप एंड डिवाइस है Zenfone 4 सेल्फी प्रो। इस फोन की खासियत है इसका फ्रंट कैमरा, इसमें 24 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। कैसी है इसकी परफॉर्मेंस, चलिए देखते हैं। सेल्फी प्रो का फ्रंट कैमरा आपको वाकई काफी सुंदर सेल्फी देता है, पिक्चर बेहद क्लियर और क्रिस्प आती है। नॉर्मल मोड में 24 मेगापिक्सल के डुओ पिक्सल लेंस से फोटो कैप्चर की जाती है, लेकिन अगर आपको कैमरा मोड्स का मजा लेना है तो इसे बदलना पड़ता है। सेल्फीज पर इफेक्ट देने के लिए पोर्ट्रेट मोड दिया गया है, लेकिन इस मोड में फोटो क्लिक करते वक्त कैमरा 12 मेगापिक्सल पर सेट हो जाता है। इसकी क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन स्टैंडर्ड कैमरा जितनी नहीं। सेल्फी प्रो में 5 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस दिया गया है। Asus का ये कहना है कि इससे आपको 120 डिग्री वाइड सेल्फी मिलती है, लेकिन ये कुछ खास वाइड नहीं है। लो लाइट में फोटो लेने के लिए फ्रंट फ्लैश भी दिया गया है, यानी अगर आप पार्टी में हैं तो आपको अच्छी सेल्फी लेने के लिए लाइटिंग की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, फोटो कैप्चर करने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। सेल्फी प्रो से आप फ्रंट और रियर कैमरा से 4K वीडियो भी बना सकते हैं। सेल्फी प्रो में 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। रियर कैमरा से फोटोज थोड़ी डार्क आती हैं, इसीलिए फोटो लेते वक्त आपको ब्राइटनेस का ख्याल रखना पड़ता है। सेल्फी प्रो का फ्रंट कैमरा काफी इम्प्रेसिव है, लेकिन इसका जो रियर कैमरा है वो कई सिचुएशंस में मार खा जाता है, स्पेशली लो लाइटिंग में। तो ये तो थी कैमरे की बात, अब चलते हैं फोन के परफॉर्मेंस पर। फोन में क्लासिक स्टैंडर्ड प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 625 दिया गया है, और एज यूजुअल इस प्रोसेसर की परफॉर्मेंस काफी रिलायबल है।
Zenfone 4 Selfie Pro में 4GB RAM और 64GB स्टोरेज दिया गया है, जिसे 2TB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। प्रोसेसर, रैम और मेमोरी का ये कॉम्बिनेशन फंक्शनिंग को बहुत ज्यादा स्मूथ बना देता है। Android 7.1.1 Nuga ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ Zen UI 4.0 Selfies Pro को एक क्वीन और इजी टू यूज इंटरफेस देता है। गेमिंग के लिए दिया गया एड्रीनो 506 GPU की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है। फोन पर सबवे सर्फर जैसे कुछ गेम्स तो आसानी से खेले जाते हैं, लेकिन इससे ज्यादा स्पीड वाले गेम में लैग होता है। फोन की परफॉर्मेंस की तरह ही सेल्फी प्रो का लुक भी काफी इम्प्रेसिव है। इसकी मेटल यूनिबॉडी और मैट फिनिश इसे काफी प्रीमियम लुक देती है, और क्योंकि इसका वजन ज्यादा नहीं है तो इसे हैंडल करने में भी कोई परेशानी नहीं होती। सेल्फी प्रो में 5.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलता है। स्क्रीन पर कलर्स क्रिस्प दिखाई देते हैं और फोन पर वीडियो, मूवीज और फोटोज देखने में भी काफी मजा आता है। सेल्फी प्रो का ऑडियो परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। नीचे दिए गए स्पीकर का साउंड काफी लाउड है और आउटडोर मोड के जरिए आप वॉइस को मैक्सिमम से भी एक लेवल ऊपर ले जा सकते हैं। अपनी पसंद के हिसाब से ऑडियो को बदलने के लिए ऑडियो विजार्ड टूल भी दिया गया है। मल्टीमीडिया सपोर्ट करने के लिए फोन में बेहतरीन ऑडियो तो है ही, लेकिन बैटरी के मामले में फोन थोड़ा सा चूक जाता है। Zenfone 4 Selfie Pro में 3000 mAh की बैटरी दी गई है। एक बार चार्ज करने पर 6 से 7 घंटे तक चल जाती है, लेकिन अगर आप हैवी गेमिंग या इंटरनेट इस्तेमाल करें तो ये तेजी से खत्म भी हो जाती है। हालांकि फोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और इसे फुल चार्ज होने में करीब 1.5 घंटा लग जाता है। Zenfone 4 Selfie Pro डुअल सिम फोन है और ये 4GB वोल्ट सपोर्ट करता है, और साथ ही USB 2.0, Wi-Fi 802.1 और Bluetooth 4.0 कनेक्टिविटी के तमाम ऑप्शंस हैं। फोन की कीमत है 23,999 रुपए। तो कुल मिलाकर Zenfone 4 Selfie Pro एक डिसेंट फोन है। अगर आप सेल्फी के बहुत शौकीन हैं और फ्रंट कैमरा ही आपकी प्रायोरिटी है तो इस फोन को लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर इसके इस फीचर को हटा दे तो जो बाकी स्पेसिफिकेशन है वो काफी स्टैंडर्ड है और आपको 18,000 से 20,000 रुपए के फोन में भी मिल जाएंगी। तो इसके लिए 23,999 रुपए की कीमत थोड़ी ज्यादा है। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूँ शिबानी और नवरात्रि का समय है और अहमदाबाद मुंबई जैसे शहरों में हम खूब गरबा दांडिया खेलते हैं। तो आज ऐसी ही एक जगह पर मैं दांडिया खेलने आई हूँ। गोरेगांव नेस्को मुंबई में रंगीलो रे हो रहा है और यहाँ आकर मैं दांडिया खेलूँगी, परफॉर्मेंस करने वाले आर्टिस्ट से मिलूँगी और खूब सारी सेल्फीज पिक्चर्स लूँगी। और मेरे साथ है आज वीवो V7 Plus, इससे मैं कई दिनों से इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये फोन आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। सो लेट्स गो। तो मैं हूं बैक स्टेज और मेरे साथ दो अमेजिंग आर्टिस्ट हैं, जानवी श्रीमानकर और पार्थिव गोहिल। तो मैं इनसे जानने वाली हूँ कि इस नवरात्रि कितनी एक्साइटमेंट है। जानवी, आप 9 के 9 दिन परफॉर्म कर रहे हैं, तो कितनी एक्साइटमेंट है, कितना क्राउड आ रहा है डेली बेसिस पर? वीकेंड को बहुत ज़्यादा क्राउड आया था, इट वाज अ पैक्ड हाउस और हमें बहुत मज़ा आया परफॉर्म करने में, क्योंकि जब हम 30 लोग स्टेज पर हैं
तो हमारी एनर्जीज तो हैं ही बरकरार, बट जब ऑडियंस इतनी सारी एनर्जेटिक होती है तो उनकी एनर्जी भी हम पे पास ऑन होती है। जानवी ने कहा 30 आर्टिस्ट है, तो यू नो कैसे है, कौन से गाने आप सुनाते हैं क्राउड को, और यू नो कौन से सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं पार्थिव? क्राउड को तो सभी पसंद आते हैं, उनकी फरमाइश तो कभी ख़त्म ही नहीं होती, लेकिन हमने कोशिश की है कि ये 30 आर्टिस्टों के साथ हमने रोज़ करीबन 150-200 गाने हम पेश करते हैं, तो आई एम श्योर सबकी जो फरमाइश है वो उसमें इंक्लूड हो जाती है। एंड आई एम रियली लविंग व्हेन ऑल द प्लेयर्स दे सिंग टुगेदर। हम रंगीलो रे जम्यो कालिंदड़ी ने घाट चोगाड़ा तारा होरे छबीला तारा होरे रंगीला तारा रंग भेरू जुए तारी बाट रंगीलो रे। वीवो ने एक और सेल्फी सेंट्रिक कैमरा लॉन्च किया है, वीवो V7 प्लस। अभी वीवो V5 प्लस में जो ड्यूल फ्रंट कैमरा था उसे हटाकर एक सिंगल फ्रंट कैमरा दिया है जो काफ़ी पावरफुल सेंसर के साथ आता है। 23 मेगापिक्सल का इसका फ्रंट कैमरा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्राइस पॉइंट पर ये फ़ोन बेस्ड है। लेकिन कैमरा ही इस फ़ोन की खास बात नहीं है, इसके अलावा 18:9 रेशियो वाला डिस्प्ले दिया है जिसे कंपनी इंफिनिटी स्क्रीन कहती है। Vivo V7 Plus 5.99 इंच के टच स्क्रीन डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन का रेजोल्यूशन 720 पिक्सल बाय 1440 पिक्सल है। इस फोन को पावर देता है 1.1 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर और इसका साथ देती है 4GB रैम। फोन में 64GB की इंटरनल स्टोरेज भी दी गई है, इसे आप 256GB तक एक माइक्रो SD कार्ड की मदद से एक्सपैंड कर सकते हैं। कैमरे की बात करें तो Vivo V7 Plus में 16 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा और 24 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर कैमरा दिया गया है। Vivo V7 Plus Android 7.1 पे चलता है और इसमें 3225 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी दी गई है। ये एक डुअल सिम स्मार्टफोन है और कनेक्टिविटी के लिए इसमें वाईफाई, GPS, ब्लूटूथ, USB OTG, FM, 3G और 4G जैसे ऑप्शंस दिए गए हैं। जहां तक सेंसर्स का सवाल है तो फोन में प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर और जायरोस्कोप दिए गए हैं। फोन दिखने में काफी स्लीक लगता है, बस 7.7 mm थिक है ये फोन। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी लगती है, फोन स्टर्डी लगता है और इंफिनिटी स्क्रीन की वजह से इसको एक प्रीमियम लुक एंड फील भी मिलता है। पीछे प्लास्टिक बैग है जो दूर से देखने में मेटल का लगता है। इसकी फिट और फिनिश बेहद अच्छी है। फोन में एक 3.mm हेडफोन सॉकेट है और माइक्रो USB पोर्ट और नीचे की तरफ एक स्पीकर ग्रिल दिया गया है। इस फोन की सबसे खास बात है इसका 18:9 एस्पेक्ट रेशियो, जिस पर 2.5D कर्व्ड एज गोरिल्ला ग्लास की कवरिंग दी गई है। पर एक डिसअपॉइंटमेंट है, इसके 5.99 इंच वाले डिस्प्ले पर आप केवल HD वीडियोस ही देख सकते हैं। डॉक्टर, मेरे साथ बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि अचानक कोई मेरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। फोन की स्क्रीन के कलर्स काफी नाइसली सैचुरेटेड हैं और IPS पैनल के व्यूइंग एंगल्स भी काफी अच्छे हैं। इस फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर पीछे की तरफ है और इसका ऑथेंटिकेशन काफी तेज है। इस फोन की परफॉर्मेंस वीवो के बाकी फोन से थोड़ी बेहतर है, साथ ही इसमें 4GB रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज भी दी गई है और इसमें ड्यूल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 4.2 और रेडियो भी है। Vivo V7 Plus का इंटरफेस काफी स्मूथली काम करता है, इसके साथ मल्टीटास्किंग भी आप आराम से कर सकते हैं। अभी इस फोन में बिल्कुल ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले भी मैंने वीवो के कई सारे फोन्स को रिव्यू किया था, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम्स फेस होती थी। फॉर एग्जांपल, वीडियो लेते वक्त या फिर हाई एंड गेम्स खेलते वक्त फोन्स बहुत ज़्यादा हीट होते थे, तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एस्फाल्ट 8 को लगभग 1 घंटे खेला,
कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। साथ ही ऑलमोस्ट 10 मिनट तक कंटिन्यूसली वीडियोस लेने के बाद भी फोन हीट नहीं हुआ। बड़े एस्पेक्ट रेशो की वजह से Vivo V7 Plus का वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा हो जाता है। इस फोन का स्पीकर भी काफी अच्छा है। अभी Vivo के V सीरीज की फोन की खासियत है इसके सेल्फी कैमरास। अभी इसमें ड्यूअल सेल्फी कैमरा तो नहीं है, लेकिन 23 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया गया है। रेजोल्यूशन अच्छी है, पिक्चर क्वालिटीज अच्छी है, सेल्फीज काफ़ी अच्छे आते हैं। लगभग हर लाइट कंडीशन में इसके सेल्फीज काफ़ी अच्छे आते हैं। अभी ड्यूल कैमरा नहीं है, लेकिन डेप्थ ऑफ फील्ड इफेक्ट के लिए एक डेडिकेटेड सेल्फी मोड दिया गया है, जिससे आपको वो सूडो ब्रोके इफेक्ट मिलेगा, जिससे आपको मनचाही डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी, जो फोटो लेने के बाद भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अभी ब्यूटी फीचर केवल फोटोज लेने के लिए ही नहीं, बल्कि वीडियो कॉलिंग के लिए भी अप्लाई करता है। लो लाइट में भी इसका फ्रंट कैमरा अच्छी तरह काम करता है और सारी डिटेल्स और कलर्स को बखूबी पिक करता है। इस फोन का मूनलाइट फ्लैश फिल भी लो लाइट में बढ़िया सेल्फी देने में मदद करता है। अभी इसका 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, वो काफी अच्छा है, इम्प्रेसिव नहीं है, बट इट इज क्वाइट गुड। लो लाइट कंडीशंस में या फिर ब्राइट लाइट कंडीशंस में लैंडस्केप पिक्चर्स भी काफ़ी अच्छे लेता है, मैक्रो फोटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी करता है। लेकिन हाँ, कई बार फोकस एडजस्ट करते वक्त थोड़ा टाइम लगता है, और साथ ही जो जिस पे फोकस है उसके एजेस थोड़े से ब्लर आते हैं। अभी इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी है, लेकिन हाँ, इसका रेजोल्यूशन 1080 पर मैक्स आउट होता है। बिल्कुल आप 4K वीडियोस इस फोन पर नहीं रिकॉर्ड कर सकते। अभी बाजार में कई ऐसे फोन अवेलेबल है जो इसकी आधी कीमत के हैं, लेकिन 4K वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं। पर इसके बावजूद इसके कैमरा ऐप में कई ऐसे फीचर्स हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें आप लाइव फोटोज ले सकते हैं, साथ ही स्लोमो और टाइम लैप्स वीडियोज भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी बैटरी लाइफ की बात करें तो 3025 mAh की बैटरी है। सिंगल चार्ज के बाद भी दिन भर इसकी बैटरी चल जाती है। हाँ, एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि एक घंटे के चार्जिंग के बाद ये 50% तक फ़ोन चार्ज होता है। कई सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स लॉन्च किए हैं। फॉर एग्जांपल, 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो, साथ ही इसका फ्रंट कैमरा काफ़ी पावरफुल है। लेकिन एक खामी है इस फोन की, आस्किंग प्राइस 21,000 रुपये का ये फ़ोन है। अभी इस प्राइस रेंज में कई ऐसे फ़ोन बाजार में ऑलरेडी अवेलेबल है जो सॉलिड बिल्ड और सॉलिड परफॉर्मेंस के साथ आते हैं। फॉर एग्जांपल, सैमसंग A5 ही एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है इसी प्राइस रेंज में। इसके अलावा कई ज़्यादा एक्चुअल गुड सॉलिड फीचर्स वाले कई फ़ोन मार्केट में अवेलेबल है, जैसे वाटरप्रूफिंग फीचर है या फिर पॉपुलर ड्यूअल कैमरा का जो फीचर है, वैसे फोन्स भी इस प्राइस रेंज में अवेलेबल है, और इसे सस्ते वाली कीमत में भी आपको फोन मिलेंगे। तो ऐसे में मैं इस फोन को पिक नहीं दूंगी। वक्त है छोटे से ब्रेक का, आगे देखिए लेटेस्ट गैजेट्स की झलक। बाजार में आए नए गैजेट्स पर एक नजर डालने का गैजेट लैब में। हाउस पार्टी करनी हो या कैंपिंग, माहौल को मजेदार बनाने के लिए एक अच्छा साउंड सिस्टम होना जरूरी है, और आपकी इसी जरूरत को पूरा कर सकता है टोरेटो बूमबॉक्स TBS 315।
4 इंच के इस पोर्टेबल स्टीरियो में 2.1 इंच का आउटडोर पैसिव ब्लूटूथ स्पीकर दिया गया है 3 इंच के सब वूफर के साथ। 7 वॉट का ये स्पीकर ब्लूटूथ मेमोरी कार्ड और ऑक सपोर्ट करता है, साथ ही इस पर आप FM रेडियो भी सुन सकते हैं। टोरेटो बूमबॉक्स में 1800 mAh की बैटरी है जो 5 से 6 घंटे चल जाती है। इसे फुल चार्ज करने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। स्पीकर की कीमत है 5,999 रुपए। अगर आप हल्के फुल्के एंटरटेनमेंट के लिए एक पोर्टेबल स्पीकर ढूंढ रहे हैं तो पोट्रॉनिक्स का साउंड बन सकता है एक विकल्प। 6 वॉट के इस ब्लूटूथ स्पीकर पर 800 mAh की बैटरी है। इसे ब्लूटूथ, USB और ऑक्स की मदद से कनेक्ट किया जा सकता है। स्पीकर फुल चार्ज होने पर 3 से 4 घंटे चल जाता है। पोट्रॉनिक्स के स्पीकर की कीमत है 1,999 रुपए। तो टेक गुरु के इस शो में इतना ही। अगले हफ्ते हम लेकर आएंगे iPhone 8 का रिव्यू। स्टे कनेक्टेड।